अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं। आज जुमा है और सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और जुमा के लिए तैयारी वगैरह करनी है। अब मैं ये यहाँ जो खड़ा हुआ, ये हमारा इस्त्री स्टैंड है, तो यहाँ मैंने अभी कपड़े इस्त्री करने हैं, तो मैं अंदर से लेके आता हूँ, क्योंकि जुमे के लिए वो तैयारी वगैरह करनी होती है, यानी कपड़े दूसरे पहनते हैं और खुशबू वगैरह लगा के। एक तो सुन्नत भी है और सवाब भी है, दूसरा एक बंदा यानी कि डिसेंट लगता है, तो उसके लिए मैं तैयारी करने लगा हूँ। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी अभी और बाद में वीडियो देखिए। ये मैं ले आया हूँ कपड़े और मैं इस्त्री करने लगा हूँ। और ये हमारा इस्त्री स्टैंड, इस्त्री स्टैंड में आपको दिखा के देखें, ये है इस्त्री स्टैंड और यहाँ पे मैं काम करने लगा हूँ। ये वाला, ये इस्त्री चल रही है। हाँ जी, मैं अभी नहा के वापस आ गया हूँ, यानी कि मेरा बाथ कंप्लीट हो गया। थोड़े से बाल वगैरह सेट करने और फिर चलते हैं। मैं मोस्टली ये अतर यूज़ करता हूँ। पहले मैंने एक दो वीडियो में दिखाया कि मैं अतर ही लगाता हूँ, मैं परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करता। अदरक का एक खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे ख़ास तौर पे। ये मेरी कैप है, मैंने रमज़ान शरीफ के एंड पे ली थी ईद के लिए। तो जुमे मैं अक्सर नहीं पहनता, मैं कभी कभी पहनता, यानी कि जुमे के लिए, आज जुमा है तो जुमे के लिए पहनने लगा। तो ये अच्छी भी लगती है मुझे, तो ख़ास तौर पर बड़ी प्यारी लगती है। और अब मैं चलता हूँ मस्जिद में, तो जुमे के बाद ही मिलते हैं आपसे। नमाज जुमा पढ़ा गया है, ये हमारी मस्जिद है। मैं अंदर से भी बाहर निकला हूँ, तो अभी मैं जाने लगा हूँ घर। और जुमा का दिन होता है, तो जुमे के लिए दिन मैं, चलो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूँ, और मैं ख़ुद भी जो काम करता हूँ वो ये है कि हर जुमे के दिन लाजमी होता है कि 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। तो आप भी ज़रूर पढ़ा करें। तो जुमे के दिन आज मेरे ख्याल में, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो जुमा गुजर गया होगा, लेकिन नेक्स्ट से आप कोशिश करें कि हर जुमे के दिन ख़ास तौर पे आप 200 से 200 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो मैं अभी वो पढ़ने लगा हूँ, यानी घर जाऊँगा और उसके बाद फिर आपसे रब्ता होगा। मैं अब घर आ गया हूँ और जुमा है, तो जुमे के दिन मैं अक्सर ये करता हूँ कि एक नात का, यानी कि किसी भी नात का पहले दो अशार, यानी कि अस्थाई उसे कहते हैं, पहले दो अशार पढ़ के फिर उसको मैं थोड़ी एडिटिंग करके मैं अक्सर वो लगाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। तो आज मैंने सोचा कि मैं, चलो वीडियो में ऐड करता हूँ ये नात। तो जुमा है, तो जुमे की मुनासिबत से अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ के, यानी कि एक सलाम है, सलाम के मैं पहले दो अशार पढ़ता हूँ और सुनिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु चलेंगे। आपने ये नात सुनी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िए जुमे के दिन, और इसका सवाब भी है और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी वीडियो इंशाल्लाह बाद में, तो वीडियो को यहीं से आगे चलाते हैं। असर नमाज हो गई है और मैं अब वो इधर कॉलोनी वगैरह में आया हूँ, और उसके बाद मेरे ख्याल उसके बाद यानी कि कोई डिफरेंट वर्क नहीं था, यानी कि तो कोई मैंने इसके अलावा कोई वीडियो नहीं बनाई, यानी कि वो नमाज जुमा के बाद जो मैंने नात पढ़ी उसके बाद। तो मेरे ख्याल में वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लगते और मेरा फ़ायदा हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।